नमस्ते दोस्तों, और फिर से स्वागत है आपका होलिस्टिक हीलिंग में। तो आज जो टॉपिक हम लेके आपको बताना चाहते हैं वो टॉपिक है जो ओरल कैंसर। तो दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारा देखा है जो ओरल कैंसर के ऊपर में हम लोगों को विस्तार से अगर हम लोग जान पाए, या वो कैंसर के वजह से आप वो जो सिम्टम्स है वो अगर आप जान पाते हैं तो आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। या तो टंग में या प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, तो आप जाके डॉक्टर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये ट्रेनिंग हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और आपको जानना है। और अगर आप कैंप चाहते हैं कि ओरल कैंसर के ऊपर में हम लोग एक कैंप करें, तो आप लोग हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और हम लोग आपके पास जाएंगे। और हम लोग और भी डॉक्टर्स रहते हैं, तो हम लोग आपको और भी विस्तार से वहाँ पे आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कॉमन है, ये कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये सभी के ऊपर है ये ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप नहीं जान पाते कि कैंसर बहुत दूर तक चला गया, लास्ट स्टेज में। और कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो देखिएगा आप लास्ट स्टेज में ही पकड़ा जाता है, और शायद उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अभी बहुत सारा ट्रीटमेंट है जो आप करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो हम बोलना चाहते हैं कि उसका सिम्टम्स क्या होता है, और आप कुछ कुछ चीज़ जो है अवॉइड करने से वो जो कैंसर का जो ओरल कैंसर है वो आपके शरीर में या आपके जो जीभ में या मुंह में नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बहुत कॉमन है, ये हम लोग ने हर ट्रेनिंग में ये जाके बोला है और बताया है कि टबैको, जैसे कि पान, गुटखा, और आपका हुआ अल्कोहल, सिगरेट, और बहुत सारा चीज़ है जो खाने से कैंसर होता है। लेकिन खाने से कैंसर होता है, लेकिन बहुत जगह है जो डिटेल्स में नहीं बताया जाता है कि आप अगर गुटखा खाते खाने का आप हैबिट्यूट या एडिक्ट हो गए, और कितने कितने लोग हैं जो क्या करते हैं कि रात में गुटखा खा लेते हैं और खा के उसको मुंह में रख के ही सो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए 100% कैंसर होने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो होगा ही, क्योंकि आप एक जो सुपारी होता है वो खाता है स्किन को बहुत ज़्यादा। तो वो अगर मुंह में रखा जाए और वो रात भर अगर आपका रहता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो स्किन को खा लेगा, और खाने के बाद में ही वो घाव हो जाता है अंदर में। घाव होने के बाद में पेन होगा, खा नहीं पाएंगे आप, बहुत सारा उसमें दाना टाइप का हो जाएगा, वो भी आपका वो सिम्टम्स दिखाता है कि कैंसर होने का चांसेस आपका है। तो दोस्तों, कैंसर होने का और एक बहुत कॉमन चीज़ है जो ब्रश। आप देखेंगे जब आप ब्रश करते हैं और आप ब्रश रख देते हैं उस तरह से, और उसके बाद में देखेंगे आप उसको धोते नहीं है ठीक तरह से, तो सुबह उठ के फिर आप ब्रश करते हैं, तो वो मुंह में जब जाता है, वो टिश्यूज़ में आप ब्रश करते हो और टिश्यूज़ में वो जाता है, तो वहाँ पे भी देखिएगा आप, आपको दांत का प्रॉब्लम, विजडम टीथ जो होता है, अक्कल दांत जिसको बोला जाता है, उसमें पेन आ रहा है, वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, और उसको उसके ऊपर में आप दवाई खाते हैं, क्योंकि विजडम टीथ एक बार में नहीं निकलता है, तो बार बार पेन होता रहता है, तो उसको इग्नोर किया जाता है, वो ये तो ऐसे ही है, अक्कल दांत निकल रहा है, तो ये कॉमन चीज़ है, इसमें हो ही सकता है ऐसा। लेकिन दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो इतना पेन देता है कि आदमी कॉमन ले लेता है उसको। उसके बाद में हम लोगों ने देखा है उस मोटिव में भी, उस सिचुएशन में भी ओरल कैंसर हो सकता है। तो इट्स आपको उसमें भी चेक करना है, दिखाना है डॉक्टर को, इज इट मेरा वो जो विजडम दांत या निकल रहा है वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो आपका ब्रश के ऊपर में भी बहुत कुछ निर्भर होता है, क्योंकि अगर आप ठीक तरह से अपने ब्रश को नहीं रखते या नहीं करते, मुंह में जब आप लगाते हैं उसको वॉश, फर्स्ट आप उसको वॉश कीजिए, उसके बाद आप ब्रश कीजिए, उसमें पेस्ट लगाइए, ब्रश कीजिए। और दोस्तों, बहुत सारा पेस्ट है जो देखिएगा आप, आपको सूट नहीं कर रहा है और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ कुछ पेस्ट है दोस्तों, हम बताना चाहते हैं आपको कि आप अगर एक कलरफुल एक प्लास्टिक में वो पेस्ट लगाएंगे, और आप देखेंगे जब आप उसको जस्ट रब आउट करेंगे उस पेस्ट को, तो सब कलर निकल जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर वही पेस्ट हम लोग अपने मुंह में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा केमिकल है।
तो ये चेकअप, ये छोटे छोटे चीज़ है जो हम लोगों को चेकअप करना है, जो हम लोग सतर्क रह सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि ये करने से हम लोगों के ऊपर में, हम लोग अपने आप के ऊपर में आप ठीक रख सकते हैं। तो ओरल कैंसर बहुत ही दर्दनाक होता है। ओरल कैंसर ना ही आप खा पाएंगे, ना ही आपके मतलब आपको लिक्विड डाइट लेना है, वो भी नाक से खाना पड़ता है आपको, तो इट्स वेरी पेनफुल। ओरल कैंसर जो टाइम नहीं देता है इंसान को, अगर ऑपरेशन करते भी है डॉक्टर तो बहुत कम चांसेस, मतलब 90% डेथ के तरफ ही होता है, 10% अगर आप बच गए तो बच गए, फिर मतलब आपका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो तो खराब हो गई। तो ये जो ये बहुत कुछ चीज़ें हैं दोस्तों इसका। और मैं छोटा सा आपको एक जस्ट टिप्स बता देती हूँ, ऑन द टंग लिप और द माउथ एरियाज यूजली स्मॉल। आप देखेंगे आपका माउथ जो है आप जब खोल रहे हैं वो ज़्यादा जितना खुलना चाहिए वो नहीं खुल पा रहा है। इट्स डेंजर, लिटरली इज डेंजर। ये ज़्यादातर होता है जो गुटखा खाते हैं। आप देखिएगा ये टेस्ट अगर आपको करना है कि गुटखा में कितना खराबी हो सकता है, एक गिलास पानी आप रात में रखिए और उसमें एक ब्लेड डाल दीजिए और एक पैकेट गुटखा उसमें डाल दीजिए और उसको ढक के रख दीजिए, आप सुबह में वो ब्लेड आपको नहीं मिलेगा उस पानी में। तो ये बहुत आप एक बार करके देखिए और उसके बाद आप समझ जाइए कि अगर वो हम लोग मुँह में खाते हैं, मुँह में जाता है, तो हम लोग कितना ज़्यादा उसमें अफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये मतलब बिल्कुल सिंपल कि देखिएगा मुंह नहीं खुल पा रहा है, वो जितना खा सकता है उसका हा जो होता है वो बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों। और आपका कलर, आपका जो टीथ का कलर, दांत का जो कलर है वो चेंजेस आ रहा है क्यों? अगर आप ब्रश नहीं करते ऑब्वियसली आपका दांत येलो होगा, लेकिन ब्रश करने के बाद भी, अच्छे से साफ रखने के बाद भी आपके दांत में जो है वो येलोनेश आपके दांत में देखा, मतलब आप देख पा रहे हैं। और टंग में भी आपका थोड़ा थोड़ा मतलब एक छोटा छोटा दाना टाइप का आपका हो रहा है, तो वो कैल्शियम से कमी से भी होता है, विटामिन कमी से भी होता है। पर फिर भी आपको चेक रखना है कि ये 2 से 3 हफ्ता लेता है ज़्यादा बढ़ने में। तो ये चेकअप, ये छोटे छोटे चीज़ जो है चेकअप करिए, आप खुद को चेक कीजिए, देखिए। और अगर आप लोगों को, हम लोगों का मदद चाहिए, होलिस्टिक हीलिंग जो हम लोग बोलते हैं, ये सिर्फ बैठ के हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं इसके लिए नहीं, हम लोग खुद जाके आपको अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, कैंप करेंगे, हमारे डॉक्टर्स रहेंगे वहाँ पे, वो हम लोगों को, आप लोगों को सबको वहाँ सजेशन बता सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों एक चीज़ होता है कि कोई आपको मारने के लिए आ रहा है तो सेल्फ डिफेंस के लिए आप हाथ उठाएंगे ही। तो ये भी ऐसे ही है कि कुछ बीमारी अगर हमको कुछ अफेक्टेड करना है तो उसको फाइट बैक करना है हमको, तो यही हम बोलना चाहते हैं आप लोगों को। सो प्लीज़ आप लोग कांटेक्ट करिए हम लोगों को और हम लोगों का वीडियो देखिए, और भी बहुत सारा टिप्स हम आपको देंगे, बताएंगे जो आप खुद चेक कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। ये सिर्फ बड़ों लोगों में नहीं, बच्चों में भी हो जाते हैं। तो प्लीज़ सब अपने आप को सेफ रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।